हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आशा करता हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है एनवायरनमेंट ऑइंटमेंट फॉर यूपीएससी, यूपीएससी का मरहम है, ठीक है, आपको जरूर करनी है। इसकी दो वीडियोज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। दोनों वीडियो का आई बटन आप ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि उसमें मैंने क्या क्या टॉपिक करवाए हैं। दो दो तीन तीन टॉपिक मैं हमेशा करवा रहा हूँ, इसमें भी मैं दो टॉपिक करवाऊंगा, तो आप देखिए क्या करवा रहा हूँ मैं। जो पहला इसका टॉपिक है वो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट, टाइगर एस्टिमेशन पर, टाइगर रिजर्व पर बहुत 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 वो आती है न्यूज़, और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में। तो न्यूज़ में रहा है ये क्या है, द 4 ईयर टाइगर सेंसस रिपोर्ट, जो 4 साल की टाइगर सेंसस रिपोर्ट है, जिसका नाम है स्टेटस ऑफ टाइगर्स कोप्रेडेटर्स प्रे एंड देयर हैबिटाट। नाम है ये पूरा, पूरी थीम है, क्या थीम है, स्टेटस ऑफ टाइगर्स कोप्रेडेटर्स प्रे एंड देयर हैबिटाट 2018 शोज द काउंट ऑफ टाइगर इन इंडिया हैज राइजन बाय 2967। आप देख रहे हैं कि जो टाइगर का जो काउंट है वो थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ गया है। कितना हो गया है, 2967 हो गया है, ठीक है, इन 2018 फ्रॉम 2226, मतलब 2226 था 2014 में। 14 के बाद जब 18 में हुआ, हर साल 4 साल बाद होता है, 18 में हुआ तो कितना है, 2967, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट बढ़ गया है, काउंट बढ़ गया है। अब इसकी क्या फाइंडिंग रही है, फाइंडिंग ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट, क्या निकाला उन्होंने, क्या तर्क निकाले हैं, क्या चीजें निकाली हैं, देखते हैं। बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर्स, कहाँ पर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ टाइगर्स का, मध्य प्रदेश में, ठीक है, फ्रॉम 308 इन 2014 टू 526। देख रहे हैं 2014 में सिर्फ 308 थे, बट उसके बाद 2018 की अभी सेंसस आया है तो कितना निकला अमाउंट, 526, इतने ज्यादा टाइगर है वहां पर, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हुआ है। फिर कर्नाटका में अच्छा अच्छा रिजल्ट आया, पहले थे 406, अब कितने हैं, 524। उत्तराखंड में कितने हैं, 340 थे पहले, अब कितने हैं, 442, ठीक है, मतलब अच्छा है, अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। महाराष्ट्र में भी 190 थे पहले, अब कितना हो गया, 312। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इन्होंने ही अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं, ठीक है। कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ टाइगर ऑक्यूपाइंग एरियाज, अब देखिए क्या हो रहा है ना कि टाइगर का अमाउंट तो बढ़ रहा है, काउंट तो बढ़ रहा है, बट टाइगर एरियाज कम होते जा रहे हैं। स्क्वायर किलोमीटर के अनुसार टाइगर के जो रिजर्व हैं वो थोड़े कम होते जा रहे हैं, एरिया थोड़ा कम होता जा रहा है। द डिक्लाइन वॉज स्प्रेड ओवर 3 आउट ऑफ इंडियाज 5 टाइगर लैंडस्केप, जो इंडिया के 5 टाइगर लैंडस्केप है इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे नीचे, तो कौन कौन से, सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप हो गया जिसमें ईस्टर्न घाट्स आता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये काफी जगहों पर है ना, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे है। फिर इसके साथ है वेस्टर्न घाट, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, फिर नीचे शिवालिक्स, फिर है नदन ईस्ट या फिर सुंदरबन, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, इसमें से जो 3 कैटेगरी है वहां पर लेवल काफी डिक्लाइन हुआ है, मतलब कि वहां पे एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया कम हुआ है, जैसे कि शिवालिक्स में, वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर बहुत लॉस हो गया है, ठीक है, एरिया का। तो शिवालिक्स में कितना हुआ है, 4069 स्क्वायर किलोमीटर, वेस्टर्न घाट्स में कितना हो गया, 527 स्क्वायर किलोमीटर्स, और नॉर्थ ईस्ट में कितना रह गया, 6589 स्क्वायर किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा लेवल ऑक्यूपाइड एरिया जो है टाइगर के लिए वो कम होता जा रहा है। वाइल सेंट्रल इंडिया एंड द सुंदरबन लैंडस्केप रजिस्टर्ड हैज इंक्रीज, अब देख रहे हैं सेंट्रल इंडिया जो है जिसके अंदर मैंने बताया, देखिए क्या क्या है, ईस्टर्न घाट से आंध्र प्रदेश वगैरह, तेलंगाना, ये सब है, ठीक है। तो इनका इन्होंने रजिस्टर्ड करा, इंक्रीमेंट हुआ है इनके में काफी ज्यादा, तो कितना हुआ है सेंट्रल इंडिया में, 7532 स्क्वायर किलोमीटर, और सुंदरबन में 479 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीमेंट हुआ है, समझ रहे हैं। रिमूवल ऑफ टाइगर्स इन 3 टाइगर रिजर्व, देखिए 3 टाइगर रिजर्व में बिल्कुल इंक्रीमेंट, कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है टाइगर्स का। एक है बक्सा, वेस्ट बंगाल, आप याद रखिएगा इसे, डंपा मिजोरम में, और पालामू कहां पर है, झारखंड टाइगर रिजर्व से, तो वहां पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है टाइगर का, वहां पर नो टाइगर वॉज रिकॉर्डेड, एक भी टाइगर नहीं मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ये इसको इमेज को आप देख लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्या नाम है इसका, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पैंथेरा टाइगरिस, टाइगरिस स्पीसीज में आता है। इट इज अ टाइगर स्पीसीज नेटिव टू इंडिया, इंडिया में ही बसने वाले हैं, ये एग्जॉटिक नहीं है, बाहर से लेके नहीं आए, इंडिया के ही है ये टाइगर, ठीक है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर आर इन इंडिया, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, भारत में ही है, बट देयर आर सम स्मॉलर ग्रुप्स इन, अब थोड़े थोड़े कहाँ पर भी है, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, और थोड़े बहुत कहाँ, चाइना, बुर्मा में भी मिल सकते हैं, ठीक है। 80% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है,
ओके, बंगाल टाइगर हैबिटेट यूजली आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा, जो टाइगर जो है बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट कैसे है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थोड़े वर्षा वनों में पाए जाते हैं, थोड़े गीले गीले मार्शी एरियाज में, दलदली इलाकों में, या फिर टॉल ग्रासेस वाले एरिया जो हो गए वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, शिवालिक्स वगैरह जो हम बता रहे हैं वहाँ वहाँ पाए जाते हैं। अब कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका? IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। एंडेंजर्ड माने खतरे की लाइन पर है, इनको प्रोटेक्ट करना, इनका कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे 4-5 साल तक तो ये एक्सटिंक्ट होने के इनके चांसेस रहते ही हैं। ठीक है, तो IUCN की रेड लिस्ट होती है, उसमें इसकी कैटेगरी क्या है? एंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी एक कैटेगरी होती है, शेड्यूल्स होते हैं उसमें, तो फर्स्ट शेड्यूल में रखा है। फर्स्ट शेड्यूल में हमेशा खतरनाक वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, जो खत्म होने वाले होते हैं, उन्हें रखते हैं। ठीक है, खत्म होने वाले नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि खतरनाक खतरनाक स्थिति है उनकी। ठीक है, तो उसे शेड्यूल वन में रखा जाएगा। साइज की जो कैटेगरी है वो क्या है? अपेंडिक्स फर्स्ट, अपेंडिक्स तीन होते हैं इसमें, अपेंडिक्स फर्स्ट में उन्हीं को रखा जाता है जो एंडेंजर्ड होते हैं या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, IUCN रेड लिस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में और साइट्स के बारे में। ठीक है, अब भारत का क्या एफर्ट रहा टाइगर को कंजर्व करने के लिए? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए भाई, सेंसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आई हैं बहुत सारी, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट टाइगर कब आई थी? 1973 में, जिसमें क्या था कि इन सेतु कंजर्वेशन होगा वाइल्ड टाइगर्स का। इन सेतु कंजर्वेशन माने कि मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया है ए, वहीं पे बहुत सारे टाइगर्स रहते थे, मतलब मिलते थे, पाए जाते थे, तो उसी को कंजर्वेशन एरिया बना दिया वहीं पर ही, जहाँ पर टाइगर है उसी जगह पर। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन सेतु कंजर्वेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर था जो कब हुआ था? 1973 में। फिर एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी है, NTCA, जो एक तरीके की स्टैचूटरी बॉडी है, जो 2006 में बनी थी अंडर MOEFCC, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग फंक्शंस एज प्रोवाइडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में इसका फंक्शन दे रखा है, जो किसके अंडर में आता है? MOEFCC के अंडर में आता है, और कब बना था ये? 2006 में। ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। क्या है? टाइगर को हम मॉनिटर करेंगे, है ना, कैमरेज के अकॉर्डिंग, CCTVs के अकॉर्डिंग हम मॉनिटर करा जाएगा। इंटेंसिव प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल स्टेटस, इकोलॉजिकल स्टेटस देखा जाएगा कैसे है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी तादाद है उनकी, तो इसकी शॉर्टकट क्या है? MSTRIPS, तो अब याद रखना है जरूर। इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। कैसे? सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, लॉन्च अक्रॉस इंडियन टाइगर रिजर्व्स। इंडियन टाइगर रिजर्व्स में ये करा गया था, किसके द्वारा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। तो आप याद रखना है MSTRIPS के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, और भी चीज़ें हैं वो भी आप लिख लीजिएगा, और बाकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमने टाइगर के बारे में पढ़ा, अब एक और स्पीसीज है जो खतरे में है, जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो डिक्लाइन हो रहा है इसके पॉपुलेशन में भी, क्या क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। न्यूज में क्या आया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹33.85 करोड़ फॉर द कंजर्वेशन। एक प्रोजेक्ट निकाला गया है इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को बचाने के लिए, कितने करोड़ का? 33.85 करोड़ का, जो क्या करेगा? कंजर्व करेगा और प्रोटेक्ट करेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को। ओनली 130 सच बर्ड्स आर लेफ्ट इन इंडिया। आप देख रहे हैं कितनी कम अमाउंट रह गया है, 130 बर्ड्स सिर्फ बची हैं भारत में, इतनी ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, सिर्फ 130 ही बची हैं। देख रहे हैं किस लेवल पर उनका खत्म हो रहे हैं, किस लेवल तक उनका एक्सटॉर्शन हो रहा है। अब डिक्लाइन होने का कारण क्या है? बहुत सारे कारण है भाई, सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट हंटिंग, लोग मार रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं अपने शौक के लिए, पोचिंग कर रहे हैं उनकी स्किन के लिए या बेचने के लिए। भाई एग्जॉटिक होते हैं बर्ड्स, बाहर जाके इन्हें बेच देते हैं फॉरेन कंट्रीज में, इनका हैबिटेट इरोजन हो रहा है, इनकी जगह पर हम आके रह रहे हैं, समझ रहे हैं? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम कहाँ जाएंगे? तो हम इनकी जगह उखाड़ेंगे और हम वहाँ रहेंगे, यही हो रहा है। दूसरा क्या, एक और कंडीशन है जो बहुत ही अच्छा सा है, आप समझेंगे, ग्रीनिंग। तो सरकार क्या कह रही है कि हर जगह को ग्रीन बनाए, ठीक है, अच्छी बात है, ग्रासलैंड्स बनाए, है ना, ग्रासलैंड्स बना रहे हैं, बट इनका जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ये रहते हैं वो कैसा है? सेमी एरिड एरिया, बिल्कुल सूखे जगहों पर, सूखे ग्रासलैंड्स पर रहते हैं ये लोग, है ना, वुडन ग्रासलैंड्स पर। बट सरकार कह रही है ग्रीनिंग करें, तो अच्छी बात है ग्रीनिंग भी करें, बट इनको भी मद्देनजर रखा जाए, ग्रीन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को भी। तो ग्रीनिंग प्रोजेक्ट दैट ट्रांसफॉर्म एरिड ग्रासलैंड टू वुडेड एरियाज। तो ग्रीनिंग क्या है? जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एरिड ग्रासलैंड को वुडेड एरियाज में, चेंज ऑफ
लैंड यूज फ्रॉम ग्रासलैंड टू फार्मलैंड। ग्रासलैंड से हम किसको चेंज, ग्रासलैंड जो है हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फार्मलैंड्स में। मतलब वहाँ पे फार्मिंग होगी, कैटल फार्मिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ पर फिर वो बर्ड्स कैसे रहेंगी, नहीं रह पाएंगी। फास्ट मूविंग व्हीकल्स एंड फ्री रेंजिंग डॉग्स इन विलेज, वहाँ पे व्हीकल्स बन रहे हैं, सॉरी व्हीकल्स चल रहे हैं और डॉग्स हैं वहाँ पे विलेजेस में जो प्रोटेक्शन करते रहते हैं, तो वो उन्हें रहने नहीं देते वहाँ पे। तो समझ रहे, इसी वजह से डिक्लाइन हो रहा है उनका, सॉरी। और बहुत सारी डेथ किस कारण हो रही है, इनके टर्बाइन जो विंड मिल होती है घूमती रहती है, जो चक्की होती है विंड मिल होती है टर्बाइन, उससे टकरा के इनकी डेथ हो रही है। तो समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर काम कर रही है, डेवलपमेंट अपनी जगह पे काम हो रहा है, बट हमें डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें सबको नज़र में रखना पड़ेगा, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सबको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इसी वजह से डिक्लाइन हो रहा है थोड़ा बहुत। बाकी देखते हैं क्या एफर्ट रहा, कंजर्वेशन एफर्ट, इनको शेड्यूल वन में रखा गया, शेड्यूल वन में ज़रूर रखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में होते हैं। किसके, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 में जो हुआ था। बार बार पढ़ते रहेंगे ना चीज़ें तो आपको रटे जाए, कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि अच्छा हाँ ये बात थी। तो बार बार पढ़िए, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन इन द कंट्री, सबसे ज़्यादा लीगल प्रोटेक्शन चाहिए इन्हीं को। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब बहुत ही खतरनाक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में IUCN के, ठीक है। इसमें डायग्राम भी है, देखिए आप यहाँ देखेंगे ना, ऑल सारी स्पीसीज को इस तरीके से इस अनुसार IUCN रखता है रेड लिस्ट में। तो अगर आप देखेंगे इधर से राइट साइड से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कैसे हैं जो स्पीसीज हैं बिल्कुल जो एक्सटिंक्ट हो गई, जैसे डायनासोर्स हो गए, डोडो हो गई, सब एक्सटिंक्ट। फिर उसके बाद आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तो देखिए एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड से पहले ही आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आप समझ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इसकी गहनता, क्रिटिकली एंडेंजर्ड पर है ये, मतलब एक कदम थोड़ा और आगे बढ़ेगी ये बर्ड, मतलब एक कदम और डिक्लाइन होगा ना इसका, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जंगलों से, बिल्कुल एक्सटिंक्ट। समझ रहे हैं, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब ये होता है कि जंगलों से तो गायब है ये, बट एक दो बर्ड्स वगैरह होती हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं जिन्हें साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए रखा जाता है। समझ रहे हैं, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में है। उसके बाद आता है एंडेंजर्ड, मतलब थोड़ा ठीक है पर फिर भी एंडेंजर्ड में ही है, थ्रेटेंड है। फिर उसके नीचे आता है वल्नरेबल, थ्रेटेंड है बट हाँ थोड़ी ज़्यादा केयर टेकिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है नियर थ्रेटेंड, फिर आता है लेस कंसर्न, मतलब बिल्कुल ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत है, बहुत बहुत तादाद में, कोई टेंशन नहीं है। फिर डाटा डेफिशिएंट, अब जो भी एनिमल है उसका डेटा ही नहीं है, कोई नया जानवर इजाद हुआ है। और नॉट इवेल्यूएटेड, मतलब एक ऐसा जानवर है उसके बारे में पता ही इवेल्यूएशन ही नहीं हुआ है। तो इस तरीके से लिस्ट दी जाती है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो किस लिस्ट में है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। राजस्थान का स्टेट बर्ड भी माना जाता है, देखो तब भी कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, चलो कोई नहीं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट गोदावन, प्रोजेक्ट गोदावन स्टार्ट करा है किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, किसके लिए, इनकी कंजर्वेशन के लिए। कहाँ पर, डेजर्ट नेशनल पार्क DNP जो कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है। इट्स वन ऑफ द स्पीसीज फॉर रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये है ना, रिकवरी प्रोग्राम में आते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मतलब कि एक दो एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स को हम प्रोटेक्शन देते हैं, ग्रुप में देते हैं, यानी कि एक के बारे में, तो सबकी सबके लिए प्रोग्राम है भाई, तो इनको भी प्रोटेक्शन दी जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू बिल्ड अप कैप्टिव पॉल्यूशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक कैप्टिव एरिया बनाया जाए रहने के लिए, एंड टू रिलीज द चिक्स इन द वाइल्ड, और जो उनके बच्चे हैं उनको जंगलों में छोड़ा जाए जिससे कि वो पल पाए और आगे बढ़ पाए, अपनी स्पीसीज बढ़ा पाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, सरकार दे रही है, कर रही है, ठीक है, ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब थोड़ा जान लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या, कैसी कैसी स्पीसीज है, कैसी बर्ड है। एंडेमिक है टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सबकॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है, इंडिया के सेंट्रल इंडिया में बहुत पाई जाती है, वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। कहाँ कहाँ पर देखिए, डायग्राम में देखेंगे क्या बोल रहा है, पहले सेंट्रल इंडिया, हम सेंट्रल इंडिया देखते हैं। देखिए सेंट्रल इंडिया में है, इधर ये है ना सेंट्रल इंडिया, इस एरिया में पाया जा रहा है, सेंट्रल इंडिया में है, सही है। और वेस्टर्न इंडियाज में, वेस्टर्न इंडिया है यहाँ पर, वेस्टर्न घाट है पूरा पूरा यहाँ पर देखिए पाया जा रहा है, ठीक है, इधर देखिए पाए जा रहे हैं, ब्लैक जो ब्लैक वाला एरिया वही है, ओके। और ईस्टर्न पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो ईस्ट है, यहाँ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान का ईस्ट ये वाला एरिया, तो देखिए ना पूरा एरिया इधर का आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर द स्पीसीज आर, कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी कहाँ है, राजस्थान में,
नालिया गुजरात में है, वरोरा महाराष्ट्र में है, अबलेरी कर्नाटका में। याद रखिएगा थोड़े बहुत नाम, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही पाए जा रहे हैं। आप डायग्राम में भी देखेंगे ना, देख रहे हैं ब्लैक वाला एरिया सबसे ज़्यादा एरिया इधर ही है। ठीक है, इट इज थॉट टू हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। देख रहे हैं आप, हरियाणा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ से तो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। ये तमिलनाडु, मध्य प्रदेश यहाँ है ही नहीं। द हैबिटेट वेयर इट इज मोस्ट ऑफन फाउंड, कहाँ ये पाए जाते हैं? एरिड, मतलब सूखी जगहों पर, या फिर थोड़ी बहुत सूखे ग्रासलैंड्स पर। आप देख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में डायग्राम भी देखा होगा। जब आप डायग्राम देखेंगे तब समझेंगे कि किस एरिया में रह रहे हैं, बिल्कुल सूखे एरिया में। देखने के लिए घास वाले एरिया में, बिल्कुल ब्राउन कलर के सूखे एरिया में, तब समझ पा रहे होंगे। तो हमने आज टाइगर्स के बारे में थोड़ा देख लिया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देख लिया, बाकी और चीज़ें आएंगी आपके लिए। थैंक यू।